हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल जस्ट फूडीज किचन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन करें, जिससे हम आपको हर हफ्ते की तरह एक नई रेसिपी के साथ में आए। आज हम लोग एक स्पेशल रेसिपी बनाएंगे जो कि है शाही एग करी। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमें शाही एग करी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमने यहाँ पे चार एग लिए हुए हैं, इनको हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है। इसका मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक टीस्पून कश्मीरी रेड चिली ली हुई है, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया हुआ है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे हरा धनिया पाउडर लिया हुआ है और 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे जीरा पाउडर भी लिया हुआ है और नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ये हमने प्याज लिया हुआ है, इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, इसको हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। 2 मीडियम साइज के हमने टमाटर लिए हुए हैं, टमाटर के हमने उस पेस्ट बना लिया है। ये हमने 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे दही लिया हुआ है, इसको अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है जिससे ये एकदम सॉफ्ट हो जाए, पेस्ट हो जाए इसका। 1 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट लिया हुआ है। फिर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं, जिसमें 6-7 काली मिर्च के दाने हैं, 4 हमने लौंग ली हुई हैं, 1 लकड़ी का टुकड़ा लिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एग को फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हमें इसे थोड़े से कट लगाने हैं, इससे ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, अंदर तक मसाला भी पहुंचेगा। पहले से गर्म कर रखा है, अब हम इसमें जल्दी से अपने एग को फ्राई कर देते हैं। अभी हमारे एग ऑलमोस्ट हो गए हैं, अब हम इसमें मसाले बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अपने गरम मसाले डालेंगे, जो हमने खड़े मसाले रखे थे, थोड़ा सा इसको बनाने देते हैं। और अब हम इसमें ये हमने जो काजू और मखाने रखे थे ये डाल देंगे, क्योंकि अभी करने से थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ये खाने में भी टेस्ट अच्छा आएगा। आंच को मीडियम रखेंगे। अब हम इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट रखा था वो डालेंगे। और ये प्याज हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें ये हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इसको भी अच्छे से पकाएंगे। हमें इसे अच्छे से पकाना है, जैसे कि हमारा टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज अच्छे से पक जाए। फिर हम इसमें थोड़ी देर में बाकी मसाले डालेंगे। अब ये हमारा पेस्ट अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें बाकी का मसाला डालते हैं जो हमने पहले से बना कर रखा था। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मसाला अच्छे से पक जाए। अभी हमें इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अभी थोड़ा तेल छोड़ने लगा है, थोड़ा सा हम पकाएंगे
इसमें हम अपने हरी मिर्च डाल देंगे। अभी मसाला हमारा पक गया है, तेल भी इसमें छोड़ दिया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। इसको अच्छे से मिला के पकाएंगे। एक मिनट हो गया, इसको हम खोल देते हैं। देख कितना अच्छा कलर आया हुआ है और खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है। आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आप सबको अच्छी लगेगी। और बहुत सिंपल है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं पूरी डिश तैयार होने में, और आप इसको कभी भी बना सकते हैं। अब हम इसमें जो हमने एग रखे थे, जो हमारे फाइनल आइटम है, वो डाल देते हैं इसमें, और इनको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे भाप में पकाएंगे, जिससे अंडों में भी सारे मसाले की खुशबू और टेस्ट आ जाए और अच्छे से गल जाए। अब 4 मिनट हो चुके हैं, हम इसको खोल लेते हैं और देखिए कितने अच्छा कलर आया हुआ है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हमारे खाने के लिए रेडी है। ग्रेवी का आपका अपना वो है कि आप ज्यादा रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं। ग्रेवी आप इसको थोड़ा और पकाएं तो ग्रेवी इसकी और कम हो जाएगी। ये हमारे शाही एग करी रेडी है, बस हम इसको थोड़ी देर में सर्व करेंगे। चलिए अब हमारा शाही एग करी रेडी है सर्व करने के लिए, हम इसको सर्व करते हैं, गार्निश करेंगे। ये हमारी शाही एग करी रेडी है। अब आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी साथ खा सकते हैं। बनाएं, ट्राई करें और बताएं आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।